आल विलक्कू अनेक भारतीय लोक संस्कृतियों में विशेषता है, जहाँ दीपक अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं और प्रदर्शनों से जुड़े हुए हैं, वहाँ उनकी स्थिति एवं भूमिका गौरवपूर्ण भी है। पारंपरिक तौर पर दीपक न केवल उज्ज्वल जीवन एवं ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, बल्कि उनके जरिए समुदाय द्वारा शुभ विचारों की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी घटित होती है। मेरा नाम आर्या नंद कुमार है। हमारा एक ग्रुप है केरला ब्राह्मिन्स नंबूदरी योगक्षेम भोपाल करके है, और इधर हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, गेट टुगेदर करते रहते हैं और सोशल वर्क करते रहते हैं। ज़रूरतमंद को हम लोग डोनेट वगैरह करते हैं, और आज ये इस शुभ अवसर पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के फाउंडेशन डे पर हम लोग इधर आके ये दीप प्रज्वलन जो 1001 जो है विक्स दिया है वो जलाने के लिए हमें स्पेशली इनवाइट करते हैं। इधर गणेश जी का पूजा होती है, उसके बाद जो दिया जलाते हैं। एक त्यौहार जैसे है, इसलिए हम लोग ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेस भी पहन के आते हैं, और इसका ट्रेडिशनल जैसे हम लोग इसको ये दिन भी मानते रहते हैं। केरल के मन्नार ग्राम के धातु कलाकारों के एक समूह द्वारा लॉस्ट वैक्स तकनीक द्वारा इस पारंपरिक दीपक का निर्माण किया गया है। बरगद के पेड़ की तरह निर्मित इस दीपक की ऊंचाई 15 फुट और वजन 1830 किलोग्राम है, तथा कुल 1001 दिए निर्मित किए गए हैं। 1001 दिए का मतलब ये दूसरा दिया है वो ऑल इंडिया के अंदर। उसमें पहला दिया चट्टीकुलंगरा बहुदी के अंदर, एक भद्रकाली टेम्पल है वो, वहाँ जलाया जाता है उसमें हर साल ओकेशन पर, उसमें त्यौहार के अंदर कुंभ भरनी के टाइम पर। दूसरा दिन यहाँ जो भी आते हैं जलाने के लिए मन्नत, एक मन्नत मान करके सभी लोग शांति के लिए, लोक नन्मा के लिए और विश्व शांति के लिए, विश्व का सभी के अच्छे शुभकामना के लिए ये एक मन्नत मान करके एक दिया जलाते हैं सभी लोग। मधुसूदनन करता, मैं चंडा सिखाता हूँ भोपाल में। ये चंडा एक्चुअली मंदिरों में बजाया जाता है, पूजा के टाइम में बजाया जाता है, उसको चंडमेलम बोलते हैं। चंडमेलम बचपन से सीखना पड़ता है। जब मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 7th क्लास आई यूज्ड टू लर्न दिस चंडा। मलयालम भाषा में बरगद के पेड़ को आल तथा दीपक को विलक्कू कहा जाता है। इस प्रकार इस दीपक का नाम आल विलक्कू रखा गया है। 1001 बातियों युक्त इस दीपक को 13 विभिन्न वृत्ताकारों सोपानों में बनाया गया है, जिनमें सबसे नीचे वाले वृत्त का व्यास 7.4 फुट है, जबकि सबसे ऊपर वाले वृत्त का व्यास 4.5 फुट है। इसमें सभी बातियों को एक साथ प्रज्वलित करने के लिए लगभग 18 किलोग्राम तेल या घी की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में इस तरह के केवल 2 ही दीपक उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश के अलावा इसी तरह का एक और दीपक केरल राज्य के अलप्पी जिले के चेट्टीकुलंगरा ग्राम के महादेवी मंदिर में स्थापित है।